नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। पाकुड़ पुलिस ने बमबारी और एक महिला की हत्या करने वाले एक अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। एसपी एचपी जनार्दन ने मामले का खुलासा करते हुए कहा है कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत झिकरहट्टी गांव में बमबारी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम शीश मोहम्मद है। एसपी एचपी जनार्दन ने बताया है कि झिकरहट्टी गांव में बीते 14 दिसंबर को कूड़े फेंकने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें बमबारी की घटना हुई थी। परिजन ही बमबारी की घटना को अंजाम दिए। बमबारी की घटना में अनारुल शेख की पत्नी रेशमा बीबी की मौत हो गई। मामले में आरोपी शीश मोहम्मद फरार चल रहा है, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बाकी आरोपी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी। एसपी ने बताया कि एसडीपीओ अजीत कुमार बिमल के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया है। इस टीम के द्वारा सूचना के माध्यम से शीश मोहम्मद की झिकरहट्टी गांव से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जब उससे बमबारी की घटना में विस्तृत पूछताछ किया तो आरोपी शीश मोहम्मद ने बमबारी में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया। एसपी ने बताया कि छापेमारी दल में एसडीपीओ अजीत कुमार बिमल, पुलिस निरीक्षक मुफस्सिल प्रभाग ने सुमित कुमार, मुफस्सिल थाना प्रभारी अमर कुमार मीज, पुलिस अवर निरीक्षक मुफस्सिल थाना सचिन लाकड़ा समेत अन्य जवान शामिल थे। एसपी ने कहा कि फरार आरोपियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है और जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा। अंतर्गत झिकरहट्टी में कूड़ा फेंकने को लेकर दो परिवार के बीच में झगड़ा हुआ था। इसमें अनारुल शेख नाम के एक व्यक्ति के घर पे उनके चाचा एवं उसका चचेरे भाई लोग बम फेंका था। बम फेंकने में अनारुल शेख की पत्नी रेशमा बीवी घायल हो गया था और इलाज के क्रम में उनका मृत्यु हो गया था। अब इस केस का खुलासा के लिए और इन्वॉल्व आदमी को पकड़ने के लिए एसडीपीओ पाकुड़ के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया था और एसआईटी के द्वारा निरंतर रेड किया जा रहा था और आज उसमें से एक शीश मोहम्मद करके एक व्यक्ति को जो मेन अभियुक्त है उसको गिरफ्तार किया गया है। इसको हम लोग अभी फॉरवर्ड कर रहे हैं जेल में। तो हमारा यही कोशिश होगा, ये बहुत ही ग्रीवस टाइप ऑफ क्राइम है जिसको हमारा कोशिश होगा कि मैक्सिमम सजा इसको दिलवाने का काम हम लोग करेंगे। इसमें मिनिमम सजा 10 साल से ऊपर देने का कोशिश हम लोग स्पीडी ट्रायल करके हम लोग करने का कोशिश करेंगे। टोटल 4 आरोपी था, उसमें से एक व्यक्ति को झिकरहट्टी के आसपास से ही हम लोग आज पकड़ा था। बाकी अभियुक्त को पकड़ने के लिए अभी हम लोग लगातार रेड कर रहा है। अभी ये लोग अगर तुरंत हमारे हाथ में नहीं आता है तो हम लोग तुरंत इन लोगों के ऊपर वारंट इश्तेहार और कुर्की निकाल के पूरा बढ़िया तरीके से इनका घर का कुर्की करने का काम करेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।